नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर आ रही है अतीक अहमद को लेकर, जहां पर उसे प्रयागराज कोर्ट में दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन बड़ी अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। किस मामले में ये झटका लगा है आपको बता दें। इससे पहले अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, एनकाउंटर के खौफ में ये याचिका दाखिल की गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आपको बताने से पहले बता दें कि आखिर अतीक अहमद ने कोर्ट से क्या गुहार लगाई थी। दरअसल माफिया डॉन अतीक अहमद ने अहमदाबाद जेल से उत्तर प्रदेश जेल ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। अतीक की याचिका पर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सुनवाई की। अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। उसने याचिका में मांग की थी कि उसे यूपी पुलिस के हवाले ना किया जाए। हालांकि इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भारी सुरक्षा के बीच नैनी जेल ले जाया गया था। अतीक की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसमें क्या लिखा था वो बताते हैं। याचिका में कहा गया था कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसे लगता है कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। याचिका में आगे कहा गया था कि अगर मामले में पेशी होती है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। अतीक ने याचिका में यह भी कहा था कि अगर यूपी पुलिस को ही पूछताछ करनी है तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी सीबीआई की सुरक्षा में अहमदाबाद में ही उससे पूछताछ हो जाए। और इसे ही लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को राहत देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जाइए। हालांकि इस बीच कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब सुनवाई को कुछ नहीं बचा, उसे यूपी ले जाया जा चुका है। इस पर अतीक के वकील ने प्रार्थना करते हुए कहा कि कम से कम कोर्ट मेरा ये बयान रिकॉर्ड में लिख लें कि मुझको यानी अतीक को जान का खतरा है। इस पर जज ने जवाब दिया, जवाब में कहा कि हम कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। वकील ने कहा, आप हमारे रक्षक हैं। जज ने जवाब में कहा, न्यायपालिका हर नागरिक के लिए है, लेकिन हर बात की एक प्रक्रिया है। वकील ने फिर प्रार्थना करते हुए कहा, रक्षा कीजिए। जज ने कहा, याचिका खारिज की जाती है। वकील ने कहा, मैं हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। जज ने कहा, ठीक है, आप याचिका वापस ले सकते हैं। हालांकि फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जाइए। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अतीक अहमद की सुनवाई पूरी होने के बाद में अब किसी भी वक्त सजा का ऐलान जो है हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट से जो गुहार लगाई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी दिन उसे खारिज कर दिया, आप कहिए, या हाई कोर्ट जाने की नसीहत दे दी जिस दिन उसकी सजा है उसका ऐलान होना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको इस पर जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी बात को आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।